दोस्तों, माना जाता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत, नेपाल और बांग्लादेश में रहते हैं। इसके बाद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हिंदुओं की तादाद अच्छी खासी है। लेकिन भारत से बाहर एक ऐसा राज्य जरूर है जहाँ 97% आबादी हिंदुओं की है। वो वहाँ हिंदू परंपराओं के साथ रहते हैं, वहाँ खूब मंदिर हैं, और ये हिंदू वहाँ कोई एक दो सदी पहले जाकर नहीं बसे बल्कि पहली या दूसरी सदी से रह रहे हैं। भारत देश में कई प्रकार की अलग अलग संस्कृतियाँ, जाति धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, और भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहाँ रहने वाले हर इंसान को उसके त्यौहार मनाने का पूर्ण अधिकार है, जिस कारण यहाँ हर दिन किसी न किसी प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है। इसी कारण भारत को त्योहारों का देश कहा गया है। 9 दिनों का नवरात्रि पूरे देश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह 9 दिनों के त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और असम राज्यों में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, हमारे देश में इसे अलग अलग विभिन्न नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से भी ज्यादा धूमधाम से किसी दूसरे मुस्लिम देश में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है? आखिर किस मुस्लिम देश में दुर्गा पूजा हो रही है, बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको पता है पूरी दुनिया में सनातन धर्म अपनी पहचान बना रहा है और गैर हिंदू धर्म के लोग भी धीरे धीरे सनातन में ही लीन हो रहे हैं। सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश हो या फिर अमेरिका और अफ्रीका, हर जगह सनातन धर्म ही अपनाया जा रहा है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश माना जाता है। इस देश की राजधानी काबुल में माता का एक मंदिर स्थित है। यह मंदिर आसामाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आसामाई के विषय में यह जाना जाता है, यह उम्मीद और आस पूर्ण करने वाली देवी है जो आसा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर निवास करती है। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में दुर्गा पूजा की शुरुआत लगभग आधी सदी पहले की गई थी, जबकि मुस्लिम राष्ट्र मलेशिया में मलेशियाई बंगाली एसोसिएशन की शुरुआत 1952 में हुई थी। हालांकि समुदाय के लोग 30 के दशक से काली पूजा करते रहे हैं। अमेरिकन और यूरोप में लगभग 50% पूजा अकेले अमेरिका और ब्रिटेन में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें त्योहार की परंपरा क्रमशः 1970 और 1960 की शुरुआत में शुरू हुई थी। विदेशों में दुर्गा पूजा आमतौर पर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कुछ बंगाली मुसलमान भी उत्सव में भाग लेते हैं। राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर पूजा आगंतुकों और भक्तों को आकर्षित करती है। नेपाल में उत्सव को दक्षिण के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण एशिया से परे अमेरिका में बंगाली समुदायों द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। सितंबर 2000 से ह्यूस्टन, टेक्सास में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बंगाली प्रवासी द्वारा हांगकांग में दुर्गा पूजा समारोह भी शुरू किया गया है। यूरोप में भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वहां के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने बहुत विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया और उस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। लोगों का मानना है कि तभी से वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ की आर्मी का मैक्सटार्ट हनुमान जी हैं। इंडोनेशिया के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है और साथ ही घटोत्कच की मूर्ति भी लगाई हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।